सो ऑल प्रिपरेशंस डन, बाइक पे सामान रख लिया है, कोल्ड स्टार्ट हो रही है, सीट में हवा भी भर ली है, बस अब निकल रहे हैं विद इन 2-3 मिनट्स। ये हमारे लीड हैं शुभम, ये भी लीड हैं, और ये है अरुणिमा मैम, ये भी लीड है। ये मुझे ड्रॉप करने आया, मुझे अच्छा लग रहा है बहुत, एक्सपेक्ट नहीं किया था। सी ऑफ करने आया, बाय बाय, भूल जाए कर रहा हूँ मेरे श्री गुरु। तो थैंक यू बाय। निकलते ही ऑफ रोडिंग, क्या बात है। गोवा में बारिश, गोवा में पहली बारिश, क्या बात है। सो टाइम हो रहा है सुबह के 8:30, और मैंने प्लान किया था निकलने का सुबह 5 बजे का, तो मैं ऑलमोस्ट 3.5 घंटा लेट हूँ निकलने में ही। बट कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम तो मैंने 3 बजे, रात को 3 बजे निकलने का प्लान किया था, और मैं निकला था एक्चुअली सुबह के 11-12 बजे। सो दिस इज़ स्टिल बेटर देन दैट। एंड यहाँ रास्ता थोड़ा अजीब सा दिख रहा है, मैं एक बार देख लेता हूँ कि इसने ओल्ड हाईवे पे डाला है कि न्यू वाले रोड पे डाला है, क्योंकि हमें ओल्ड रोड से जाना है इस बार। आते टाइम हम न्यू रोड से आए थे, बट आपको न्यू रोड 2 बार दिखा के कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए हम जाते हुए आपको, क्या बात है, ओल्ड रोड ही डाली है उसने। और 12 hours 19 minutes की जर्नी दिखा रहा है यहाँ से घर तक की। हाँ, जर्नी बहुत लंबी है एक्चुअली। मैंने आते टाइम वन शॉट मतलब ब्रेक्स ली थी बीच में, बट ऐसे कहीं हॉल्ट नहीं लिया था, लेओवर नहीं लिया था, आपने देखा ही होगा लास्ट व्लॉग में। तो मुझे लगा नहीं था कि मैं कर लूँगा, बट मैंने कर लिया। लेकिन अब जो है सीन थोड़े डिफरेंट है, क्योंकि अब बारिश का माहौल है हर जगह। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि बारिश हो तो फिर मैं ज़्यादा स्पीड ना पकड़ पाऊँ, और अगर ज़्यादा स्पीड नहीं पकड़ पाऊँगा तो ऑब्वियसली मैं को कहीं रुकना पड़ेगा रात को, अगर मैं थक गया या फिर कुछ। वैसे तो मैं कर लूँगा, मेरे को लग रहा है कि मैं अब, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं 16-18 घंटे एक साथ बाइक चला सकता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आइडियली। ये वाला पहाड़ हमने ट्रैक किया था, और ये पहाड़ से बहुत सही व्यू आता है, क्योंकि सामने ही बीच है, ये साइड आरंबोल बीच है। अभी तो शायद नहीं दिखेगा हमें यहाँ। गोवा में कल चालान भी कट गया हमारा, चालान भी कट गया, और क्या भी। मैं कह ए गाली मत दे, क्योंकि चलो हम जा रहे थे वो तो ठीक है विदाउट हेलमेट, लेकिन जहाँ हम जा रहे थे अगर वो जगह खुली होती तो मैं सोचता चलो कोई बात नहीं, 1000 रुपये मैंने टिकट के दे दिए वहाँ पे, लेकिन वो जगह भी बंद थी, तो इसलिए चालान भी कटा और हुतिया भी। गोवा से निकलने से पहले एक बार सस्ता पेट्रोल फुल करवा लें। तो आज का प्लान कुछ इस तरह है कि सुबह निकले हैं हम अब राइड के लिए, और आते टाइम तो कुछ स्पेशल नहीं खिला पाए थे, क्योंकि रात थी पूरी और मुझे नींद नहीं चाहिए थी। अब तो दिन है, सुबह सुबह एकदम फ्रेश है हम, और नींद भी पूरी हुई है ऑलमोस्ट। तो आज हम कहीं स्पेशल जगह रुक के खाएंगे कोंकणी थाली, मतलब कमिट कर रहा हूँ एक्चुअली, हम ट्राई करेंगे पूरा, कहीं अगर अच्छी थाली मिली तो कोंकणी फिश थाली ऐसा कुछ, यू नो, कोंकण का स्पेशल आज खाएंगे, और बस घर जाएंगे फिर, और क्या। जैसे ही कोई फॉरेस्ट या ऐसे रिमोट एरिया में एंटर करो तो नेटवर्क अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। और ये मिट्टी देखो यार, ये मिट्टी भी इतनी डरावनी है, इधर बाइक बहुत आसानी से स्लिप हो सकती है। मतलब मेरे को तो लग रहा है कि चल रही का मैं स्लिप ज़्यादा हो रही है, बट भाई मैनेज कर रहा है यार। मिट्टी और रेती वेती बहुत है, पता नहीं यार कैसे ये ऐसी रोड पे डाल दी है गूगल ने, या ऐसी रोड पे किसने मिट्टी डाल दी है, समझ नहीं आ रहा। इससे अच्छा तो वो बाहर वाली रोड ही थी यार। 140 किलोमीटर का फॉरेस्ट वाला एरिया है, बट फिर भी रोड्स ठीक हैं, ऐसे नहीं है रोड्स। वो जो सिंधुदुर्ग फॉरेस्ट है उसकी रोड, वो वाला बेयर करना वर्थ है, क्योंकि उसके बाद जो हाईवे मिलता है वो एकदम सॉर्टेड है अगले 300-325 किलोमीटर के लिए। बट ये तो कब से ऐसे ही चल रहा है यार, महाराष्ट्र भी एंटर कर लिया अब तो, और महाराष्ट्र में ना अब एक अपनापन सा लगने लगा है। मतलब वो मराठी में डायरेक्शंस देखना, फिर चाहा लिखना होना, चाहा हाउस, चाहा की दुकानें, तो वो एक अपनापन और एक कंफर्टेबिलिटी फील होती है। गोवा इतने टाइम थे तो थोड़ा अलग सा लग रहा था, इट्स गुड टू बी बैक। बट हम प्लान कर रहे हैं कि शायद गोवा शिफ्ट हो जाए, ताकि आपको भी एक अलग लाइफस्टाइल देखने को मिले, आपके लिए भी एक चेंज आता रहे, चेंज। मुंबई तो आप देखते आ रहे हो कब से, और मेरे से क्या, बहुत सारे व्लॉगर्स के थ्रू आपने देखा है मुंबई। गोवा रह के आपको गोवा दिखाने में जो मज़ा है,
वो घूमने आने में मज़ा नहीं है। सोचो हर वीकेंड एक अलग नई जगह एक्सप्लोर करेंगे हर वीकेंड। थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी लेकिन ज़्यादा नहीं थी, तो वी वर एबल टू मेंटेन गुड स्पीड। और अब एवरेज स्पीड बढ़ के हो चुकी है 69। बॉय भाई साहब हट जाओ भाई साहब, बहुत दिक्कत है भाई। ऊंची बाइक लेना सही है, चलाना भी सही है, पर चढ़ने उतरने में बहुत दिक्कत। ओह माय वाटर ऑलमोस्ट फेल, ऑलमोस्ट कहाँ अटका है। देखो ये अलग ही जिंदगी और मौत की जंग लड़। अरे नुकसान हो गया गाइज, नुकसान हो गया हमारा यहाँ पे। कौन सी साइड का टूटा है? अच्छा ये साइड का टूटा है। बंजी कॉर्ड को यहाँ बांध दिया ऐसे, नॉट दैट सिक्योर बट ठीक है। इसको एक्चुअली ज़रूरत है नहीं, बट फिर भी एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए मैंने ऊपर बंजी कॉर्ड बांध दी है। वैसे तो टॉप बॉक्स ठीक है बट फिर भी एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए बांध दी है। और बॉटल को भी ये यहाँ से इसका गला अटका दिया है, गला बांध दिया है। ग्लव्स उतारे थे क्योंकि हो रहा नहीं था, बंजी कॉर्ड ऐसे बंद रही नहीं थी, तो ग्लव्स मैंने अभी पहने नहीं है वापस क्योंकि भूख भी लग रही है थोड़ी, तो मैं सोच रहा हूँ कहीं रुक के खा लेता हूँ उसके बाद ही फिर वापस ग्लव्स पहनूंगा। बिना ग्लव्स के अलग ही लगता है चलाने में। अब एक बार आप इतना ग्लव्स पहन के चला लो तो। बाइक वहाँ खड़ी है छाव में मस्त, और हमने ऑर्डर की है बोम्बिल थाली। ये है बोम्बिल फिश राइस, ये करी है इसको। भैया ये क्या है? मच्छी करी बोम्बिल की, बांगड़ा। इसमें बोन नहीं रहेगा ना, कांदे नहीं रहेगा ना इसमें। रोटी सोल कड़ी प्याज बोम्बिल, हम बाकी सब रेस्ट कर रहे हैं। बाप रे ये फिश थाली खा के तो तौबा तौबा सारा मूड खराब हो गया। तौबा 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 सारा मूड खराब कर दिया। और ये रोड्स खराब है इसलिए ये बहुत गंदी भी हो गई है, मिट्टी बहुत हो गई है। खैर अब निकल रहे हैं आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करने के लिए, कहीं और रुक के कुछ अच्छा खाएंगे जिससे मूड भी ठीक हो जाए, या तो और मूड खराब हो गया। ये बैग ये साइड को क्यों इतना निकल रहा है? वैसे कहीं ये बीच में है तो कहीं गिरेगा तो नहीं, पता नहीं। इस बार थोड़ी दिक्कतें हैं, बंजी कॉर्ड टूट गई। लास्ट वाली राइड एकदम सॉर्टेड थी। एक रीज़न ये भी है कि अब हम धूप में ट्रैवल कर रहे हैं और रोड भी थोड़े ख़राब हैं, तो ये सब तो हो गई। इसको थोड़ा हम ब्रीदिंग स्पेस दे देते हैं, अगर ये साइड से भी टूट गई तो दिक्कत हो जाएगी। चलो एक बार आप अगर हैंडलिंग और बैलेंस सीख गए तो इसको हिलाना, कोई इसको हिलाना ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। मैं भी इतना नहीं सीखा हूँ, थोड़ा सा सीख गया हूँ। और जब मैं आया था तो कोई नहीं था, सिर्फ एक गाड़ी थी, और अब भाई के आने के बाद एक दो तीन चार चार गाड़ियां यहाँ, एक वो पीछे वो शायद माल छोड़ने आई है, और ये पांच गाड़ियां। भाई के रुकते ही सब फॉलो करते हैं ना लोग, रियल लाइफ में फॉलो करते हैं पर यूट्यूब पे फॉलो नहीं करते। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, उसका मतलब ये होता कि उन्होंने तकलीफों नाल डील करना होता। बिल्कुल सही। गोवा से काजू लेने थे पर नहीं ले पाए क्योंकि टाइम ही नहीं मिला, ऑफिस गए थे ना काम करने, इतना काम किया कि टाइम ही नहीं मिला। दारू पिए बस टाइम टू टाइम, तो काजू लेने हम आए यहाँ पे। काजू खरीदे विक्री यानी प्रक्रिया केंद्र केंद्र। काजू कुटे बेटे किधर? तो काजू यहाँ पे छिलके वाले 900 रुपये किलो मिल रहे थे, जो कि गौरेश से मैंने पूछा, गौरेश रत्नागिरी मालवन का ही है गौरेश, उसको आइडिया है, तो बोला बहुत महंगे मिल रहे हैं, इसलिए काजू तो नहीं लिए, थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया।
टाइम भी एक्चुअली नहीं वेस्ट हुआ, फ्री में दो काजू खा लिया मैंने, काजू अच्छे थे उसके पर थोड़े महंगे थे। और अब 317 किलोमीटर बस बचे हैं, 9:12 का एस्टिमेटेड पहुँचने का टाइम है और 7 आवर्स और 22 मिनट की जर्नी बची है। झाड़े लावा झाड़े जगवा, सुरक्षित अंतर ठेवा। अरे अंकल कितना कुछ करूं, झाड़ लगाऊं, जगवा का तो मतलब ही नहीं पता मुझे, पहले मतलब ढूंढूं, फिर वो झाड़ के साथ करूं और सुरक्षित अंतर भी ठेवूं। 26 साल का हूं अंकल मैं, इतने नन्हे से कंधों पे इतना बोझ। हाँ ये अंकल जिस हिसाब से चला रहे हैं ना, सुरक्षित अंतर तो रखना ही चाहिए इनसे। तो ये जो भाई जा रहे हैं आगे एक्टिवा पे, इनसे मैंने रास्ता पूछा लेकिन इनकी मराठी इतनी पक्की थी, इतनी स्ट्रॉन्ग कि मुझे समझ ही नहीं आई। तो उन्होंने बोला चलो मैं दिखा के लाता हूँ। तो अभी भाई मुझे नीचे सही रास्ते पे छोड़ने जा रहे हैं। थैंक यू। अच्छा यहाँ से नीचे जाना है हमको, हम गलती से यहाँ पे आ गए थे। और ये भी क्यों हुआ मैं बताता हूँ आपको, मेरे को लगा कि ये वन वे रहेगा, एक ही साइड रोड रहेगी। चिपलून भी हमने क्रॉस कर लिया है इसी के साथ। तो फाइनली इतना बड़ा घाट्स वाला डिटोर लेने के बाद वी आर बैक अगेन ऑन द हाईवे NH66। कुछ ज़्यादा ही बड़ा डिटोर दे दिया। अब ये दिखा रहे टूवर्ड्स खेड़, एंड खेड़ में तो हम पहले आए हुए हैं क्योंकि ओमकार की शादी जो थी वो उसके गांव में हुई थी, एंड उसका गांव है वो खेड़ है कुछ वही। ये भी उतना ही था, 250-300 किलोमीटर ही था आने वाला हुआ खेड़। और ये अभी तक आधा ही सफ़र पूरा हुआ है एंड मैं इतना परेशान हो गया हूँ, और इतना मतलब घाट थे, फिर ट्रैफिक था, सिंगल लेन हाईवे, मतलब एक ही लेन था, अगर दो गाड़ियाँ आ गई आमने सामने तो एक गाड़ी को रोड से उतरना पड़ेगा। इतना बेकार, हाथ दर्द हो रहा है, ये देखो ये इनको अलग चर्बी चढ़ी है, हाथ दर्द हो रहे हैं, उंगलियाँ दर्द हो रही हैं, आधा ही हुआ है अभी तक खाली। और ये हाल है, पुराने रोड से बिल्कुल मत आओ, मैं पता नहीं कितनी बार बोल चुका हूँ ये, अनदर टोल, बट हमें क्या है, अपने को क्या है, अपने को तो बस गाड़ी निकालने से मतलब है, अपने को क्या है, अपने को सिर्फ पानी निकालना है। अगेन गूगल यहाँ से लेफ्ट लेने बोल रहा है हाईवे छोड़ के, ये वाला तुलसी फाटा वाला रास्ता, जबकि लिखा हुआ है मुंबई सीधा, पर ये लेफ्ट से बोल रहे तुलसी फाटा से। भाई मुंबई जाने के लिए कौन सा रास्ता सही पड़ेगा, ये वाला ठीक है, थैंक यू। उसको समझ तो नहीं आया होगा थैंक यू, बट यार मराठी में थैंक यू कैसे बोलते हैं, शुक्रिया, धन्यवाद, अभिनंदन, पता नहीं यार, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ कि मराठी में थैंक यू कैसे बोलते हैं। तो यही वो होटल है जब हम ओमकार की शादी में आ रहे थे, तब हम यहाँ वॉशरूम यूज़ करने रुके थे। फ्लैशबैक्स। और हमने कुछ खाया नहीं था यहाँ पे। नाउ वी हियर टू रिटर्न द फेवर, इस बार हम कुछ खा के जाएंगे। वी वॉन्टेड टू रिटर्न द फेवर बट दे डोंट वॉन्ट टू टेक इट, सिर्फ चाय और ठंडा, खाने में कुछ है नहीं। ये लोग होटल खोल के बैठे, मुझे ये नहीं समझ आती, जब खाने में कुछ रखना ही नहीं है तो फालतू का टाइम वेस्ट करवाते हैं। वाह क्या एंट्री होगी मेरी, खड़ा हो जाता हूँ। काश कोई और होता साथ में, मोबाइल पकड़ के मेरी ये वीडियो बना लेता, यूट्यूब पे 1 मिलियन हो जाते, आई गोना बी रीच 1 मिलियन लाइक्स। 121 किलोमीटर रिमेनिंग, 2 आवर 55 मिनट्स रिमेनिंग, और 371 किलोमीटर डन। क्या बात है यार, क्या तरक्की है लड़के, मज़ा आ गया। अब ब्रेक लेने के बाद इतना फ्रेश फील हो रहा है ना कि क्या बताऊँ, अब तो खींच लूँगा मैं, मेरे को लग रहा है कि वन ही स्ट्रेच में कर लूँगा ये 121 किलोमीटर्स टू गो। अभी अलीबाग आएगा वैसे, उधर रुक के बात भी करेंगे एक बार, आपको बताते हैं।
सो वी हैव रीच्ड अलीबाग और अब यहाँ से घर के लिए बचे सिर्फ 88 किलोमीटर्स। जब डबल डिजिट में किलोमीटर आ जाते हैं ना तो एक अच्छा अलग लेवल का रिलीफ मिलता है, 500, 400, 300, 200, 100 भी इवन। उसके बाद जब 100 के नीचे आता है तब अलग लेवल की एनर्जी एक्चुअली इसलिए भी आ चुकी है क्योंकि अब शाम हो गई है और शाम को धूप चली जाती है एंड लाइट्स वाइट्स तो भगवान की दया से चल रही है अच्छे से, तो अब एनर्जी है कि अब मुंबई से भी आगे चले जाएंगे। बट एक्चुअल में देखा जाए तो मुंबई से आगे कुछ है नहीं, मुंबई से आगे है पानी तो कहीं जा नहीं सकते। खैर कोई बात नहीं, मुंबई तो पहुँचे। 88 किलोमीटर्स मोर टू गो, 2 hours and 29 minutes दिखा रहा है एंड एस्टिमेटेड टाइम है पहुँचने का 10:11। अब देखते हैं मैं इसको कितना कर सकता हूँ। एक टाइम था जब हम घर से निकलते थे कि भाई अलीबाग जा रहे हैं राइड पे, और आज सुबह 8:30 बजे से राइड कर रहे हैं और अब शाम के 7:45 बज चुके हैं। ऑलमोस्ट 12 घंटे मतलब 11.25 घंटे से राइड कर रहे हैं और अब अलीबाग आया है और अब घर जा रहे हैं। अरे ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, बदर बदर भाई भाई ये अड़ गया यार बीच में, हट गरीब। मेरा भाई तो मचा रहा है फुल कट विट मार के, ब्लैक एंड ब्लू कलर की है उसकी। इट्स 9:38। पीता हूँ, कैसा लग रहा है गोवा राइड करके आ गया? अभी तो उतारूंगा, ये अभी लिया है मैं तो जाते टाइम। I'm a rider, papa rider, beta rider। आपने देखा होगा ये एक्टिवा की डिलीवरी का व्लॉग जो पापा को बर्थडे गिफ्ट था, ये बहुत अच्छा लगता है यार मुझे इस साथ में राइड करना। पापा वाले तो ज़्यादा लंबा चलाते नहीं है। मैं वो सर्कल से राइड लूँगा, शिवाजी के पुतले से राइड लूँगा आगे वाले से। हाँ हाँ मुझे आज भी याद है वो दिन बचपन में जब मैं बहुत छोटा था तो मुझे बहुत शौक था चलाने का स्कूटर। हमारे पास थी काइनेटिक होंडा, बहुत साल पहले की बात है। तो पापा मुझे ऐसे ही आगे खड़ा करके हैंडल पकड़ा देते थे, कभी एक्सेलरेटर पकड़ा देते थे, और आज हम साथ में राइड कर रहे हैं।